अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी होंगी जो हमने माइक्रो स्ट्रेटजी के हवाले से स्टार्ट की हुई हैं। और उन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको मुझे उम्मीद है कि काफ़ी आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से मैट्रिक्स और एट्रीब्यूट्स को आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रो स्ट्रेटजी डैशबोर्ड्स के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से शॉर्टकट मैट्रिक यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा मैं, और बहुत आसानी के साथ हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को कवर कर लें और आपको मैं इजीली बता सकूँ किस तरह से शॉर्टकट मैट्रिक को यूज़ किया जाता है। इस शॉर्टकट मैट्रिक में हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त परसेंट टू टोटल को चेक करेंगे कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है कि परसेंट टू टोटल जो है वो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं माइक्रो स्ट्रेटजी डैशबोर्ड के अंदर। मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले माइक्रो स्ट्रेटजी में देखने से पहले मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूँ, अगर आपको नहीं पता क्या चीज़ है परसेंट टू टोटल। तो आपको मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ एक्सेल में, और एक्सेल में मैंने एक ही पिवट टेबल बना के रखा हुआ है। इस पिवट टेबल में अगर आप गौर करें तो आपको मंथ नजर आएंगे और यहाँ पे आपको ड्यूरेशन नजर आएगी। सो 12 आवर्स, 24 आवर्स, 48, 72 एंड मोर देन 72 आवर्स। तो परसेंट टू टोटल क्या होता है? परसेंट टू टोटल में फॉर एग्जांपल जनवरी में अगर आप चेक करें तो 12 आवर्स में 40,602 सेल हुई है आउट ऑफ 67,836। ये आप ये कह लें कि 40,602 आइटम्स हैं आउट ऑफ 67,836 किस कैटेगरी में? 12 आवर्स में। आपको इसकी परसेंटेज देखनी होगी कि कितने परसेंट 12 आवर्स में फॉल करते हैं। इस तरह से 10,547 जाहिर है ये कम है 40,000 से, तो इसकी परसेंटेज आपने चेक करनी है आउट ऑफ 67,836 कि कितने 24 आवर्स में है। सिमिलरली 48 आवर्स में, 72 आवर्स में और मोर देन 72 आवर्स में कितने परसेंटेज आती है। तो इसके लिए मैंने नीचे फॉर्मूला बना के रखा है, वो मैं आपको दिखाऊं। सेम टेबल मैंने यहाँ कॉपी की है और इसको मैं आपको बताता हूँ। 12 आवर्स के अंदर जैसे 59.85 है, सो 12 आवर्स 40,602 डिवाइडेड बाय 67,836, सो आपकी 59.85। इसी तरह से 24 आवर्स में चेक करें तो 15.55 किस तरह से आई? 24 आवर्स डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। तो इसी तरह से आप दूसरे भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से 42 आवर्स और 72 आवर्स और मोर देन 72 आवर्स और इस तरह से तमाम मंथ्स के अंदर किस तरह से आप ले सकते हैं। तो चले हम माइक्रो स्ट्रेटजी में चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि शॉर्टकट मैट्रिक को किस तरह से यूज़ करते हैं। एडिटर पैनल में आप देखें यूनिट्स सोल्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस यूनिट सोल्ड के हमने मैट्रिक को यूज़ किया है और इसको हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ शॉर्टकट मैट्रिक नजर आएगा। आपको यहाँ पे नजर आएगा, उसके बाद काफी सारे मैट्रिक्स नजर आएंगे जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ परसेंट ऑफ लिखा हुआ है और परसेंट जो टोटल है, परसेंटाइल रैंक है। तो अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं परसेंट टू टोटल, वो सेम देखें आपको डेटा नजर आएगा। मंथ में आप यहाँ चेक करें 40,602 और 59.85, तो 40,602, 59.85 और ये सारी परसेंटेजेस आपको वहाँ पे देखनी है सेम। तो राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर, शॉर्टकट मैट्रिक पे आए, परसेंट टू टोटल और ड्यूरेशन एंड मंथ नेम। सो ड्यूरेशन आपके कॉलम्स में है और मंथ नेम आपके रोज में है, तो मंथ नेम पे हम क्लिक करेंगे और ये देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली मैजिक हो गया है। 12 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स, इसको मैं आपको दिखाऊँ आखिर तक, 5.40, 3.89 और ये सारी की सारी यहाँ पर परसेंट टू टोटल आ गई। अगर आप यहाँ मैच करना चाहें, इसीलिए मैंने आपको पहले एक्सेल में दिखा दिया था कि सेम नंबर आपके मैच होने चाहिए। दिसंबर में आप जाएं 5.04 मिलेगा आपको लास्ट में, सो दिसंबर में आप आइए और यहाँ पे आपको लास्ट में 5.04 मिल रहा है। मोर देन 72 है यहाँ पर, वहाँ मैंने मोर देन 72 नहीं लिया था इसलिए यहाँ पर नहीं है। ये हमारा एक्यूरेट बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने एक्सेल बनाया है, यहाँ पे हमें परसेंट टू टोटल हमें मिल गया। अच्छा, इसकी एक और हम डुप्लीकेट बनाते हैं। डुप्लीकेट बनाने के बाद मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर
कंट्री वाइज, और इस एट्रीब्यूट को मंथ एट्रीब्यूट का हम रिप्लेस करेंगे कंट्री से। सो इसको ड्रॉप किया, इसने स्वैप करके हमने मंथ नेम रिमूव किया, तो आपकी ये परसेंटेज आ रही है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स की, ये सब आपको यहाँ पर इसके परसेंटेज टोटल मिलेगा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि परसेंटेज टोटल होता क्या है कंट्री वाइज। सो कंट्री वाइज की शीट में आए और सेम ग्राफ, सेम यहाँ पे पिवट है। वैल्यूज आपको मैं चेक करा दूँ पहले ताकि आप नोट करें कुछ। अच्छा, इसका मैं फिल्टर सेट करता हूँ पहले कंट्री वाइज पे। ओके, सो नंबर मैच कर गए 90047 40389, यहाँ चेक कीजिए 90047 40389 ये सेम नंबर्स हैं। और आके आप यहाँ चेक करें परसेंट टू टोटल, सो 12 आवर्स के अंदर कनाडा की 10.46 है। हमने ये याद रखे, हमने इसकी कॉपी बनाई है। सो कनाडा की 12 आवर्स में 10.46 है, यहाँ जाके चेक करें तो ये 48.64 है। ये तो रॉन्ग है, ये मैंने आपको जानबूझ के करके दिखाया था, क्योंकि हम नॉर्मली हम यही करते हैं, हमारी प्रैक्टिस होती है कि आप इसको यहाँ पर डुप्लीकेट करें और सीधा सीधा एट्रीब्यूट चेंज करके परसेंटेज टोटल हम हासिल कर सकते हैं। कुछ चीजों में ये टेक्निक जो है बहुत सही रहती है और बहुत क्विक वे है, लेकिन कुछ चीजों में आपके लिए ये टेक्निक जो है वो सही नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा सही टेक्निक क्या है अगर आप इस परसेंट टू टोटल को किसी और विजुअलाइजेशन में या किसी और डेटा सेट में, किसी और एट्रीब्यूट के ऊपर आप इसको अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से, अच्छा इसको यहीं रहने देते हैं, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। हमने एक ऑप्शन यूज किया था यहाँ पर, राइट क्लिक करके शॉर्टकट मैट्रिक परसेंट टू टोटल, और हमने सिलेक्ट किया था मंथ नेम। अब क्योंकि मंथ नेम यहाँ पे नहीं है, यहाँ हमने इसको चेंज कर दिया है कंट्री से, तो जाहिर सी बात है हमने ये परसेंट टू टोटल निकाला था मंथ नेम के हिसाब से, यहाँ तो आ गया कंट्री नेम, तो परसेंटेज रॉन्ग आनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये टेक्निक यहाँ पे यूज नहीं करेंगे और इस परसेंट टू टोटल को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं नॉर्मली, यहाँ से हमने किया इसको डिलीट। अब देखें यहाँ से रिमूव हो गया, ओके यहाँ से भी रिमूव हो गया। और फिर मैं यहाँ पर आऊंगा राइट क्लिक यूनिट सोल्ड शॉर्टकट मैट्रिक परसेंट टू टोटल, एंड इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग मंथ नेम आई क्लिक ऑन बाय रोज। रोज पे मैंने क्लिक किया तो देखिए परसेंटेज वही है हमारे पास 59.85, यहाँ चेक कर लें हम मंथ में जाकर, वही आ रही है। ठीक, इधर आइए, और ये जो परसेंटेज टोटल आपने यहाँ पर बनाया है इसको हम इसमें यूज करते हैं, और इसको आप ड्रॉप करें यहाँ से इस पे मैट्रिक में, और देखिए परसेंट टू टोटल 48.64 किसकी है, कनाडा की 12 आवर्स में। यहाँ पे हम चेक करते हैं कनाडा 12 आवर्स 48.64, करेक्ट। सो ये इसका फायदा है अगर हम बाय रोज अगर शॉर्टकट मैट्रिक बनाते हैं परसेंट टू टोटल का। तो ये मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाया, अब मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, और फिर मैं इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ। राइट क्लिक डुप्लीकेट, वैल्यूज रॉन्ग है इसलिए, क्योंकि ये इसका डुप्लीकेट है। अब मैं इसको यहाँ पर कंट्री से स्वैप करता हूँ, वैल्यूज स्टिल रॉन्ग है 49.77, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने डुप्लीकेट बनाई है। 49.77 कैनेडा का है और यहाँ पे 48.64, इट मींस ये परसेंटेजेस जो है वो नहीं आ रही है यहाँ पर आपको, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं आपको बताऊँ कि होता क्या है, जो आपके फिल्टर्स हैं उनका स्कोप सिर्फ वहीं तक होता है जो आपने विजुअलाइजेशन क्रिएट की हुई है। अगर आप डुप्लीकेट बनाते हैं तो आपको फिल्टर रीअप्लाई करने पड़ेंगे डुप्लीकेटेड जो आपने ग्रिड बनाए उसके ऊपर। तो ईयर पे मैं चेक कर, पहले मैं कंट्री पे चेक कर लूँ और इसको चला के देखता हूँ यहाँ पर, बल्कि कैनेडा लिया मैंने, देखें यहाँ मूव कर रहा है, नीचे वाले में कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, इस तरह से 2013, 14 ये सब आपको पहले पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ
सिलेक्ट टारगेट्स एंड मंथ वाइज फिगर्स कॉपी, इसका नाम है, अभी तो मैं इसको रीनेम कर दूंगा। अप्लाई करते हैं, हो गया अप्लाई। यहाँ पे जाके फिर अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई हो गया। अब आप देखिए 48.64 ये आ गया परसेंटेज, 8.47, 13.20। ओके, ये ग्रैंड टोटल की है 8.16, 12.74, 8.16, 12.74। तो एग्जैक्टली ये हमने बिल्कुल उसी तरह से बना दिए जिस तरह से हमने एक्सेल में बनाया था। इसको रीनेम कर लें आप यहाँ पर कंट्री वाइज, करेक्ट। अच्छा, इस वीडियो, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो गई, लिहाजा इनके ऊपर हम ग्राफ्स बनाएंगे और ग्राफ्स के अंदर हम देखेंगे किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं और क्या एनहेंसमेंट कर सकते हैं उसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखें ग्राफ्स।